अगर हमारे नेता लोग सबको कभी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड मिलेगा ना तो ऑस्कर ही लेके आएंगे। इतनी जल्दी तो बैंगन भी लुढ़कता जितनी जल्दी हमारे नेताजी लुढ़क जाते हैं। बड़के नेता लोग सबका कहना है जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा वो उतना अच्छा नेता माना जाएगा। हमारे यूपी में वोट जो है ना वो काम आम पे नहीं मिलता है बल्कि भैया नाम पे मिलत है। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ जीशान। हमारे इंडिया में नेता और अभिनेता सिर्फ सुनने में एक से नहीं भैया, लेकिन ये दोनों काम भी एक जैसा करते हैं। आप कहेंगे कैसे, नेता तो संसद में विधानसभा में पाए जाते हैं और अभिनेता मुंबई में फिल्मों में, तो भैया इन दोनों का काम एक सा कैसे हुआ? अभिनेता तो देश की जनता के मनोरंजन के लिए फिल्मों नाटकों और आजकल तो वेब सीरीज में एक्टिंग करते नजर आते हैं, और वहीं चुनाव में नेता भी जनता के मनोरंजन के लिए पूरा इंतजाम भौकाल टाइट रखते हैं। दोस्तों आप मेरा यकीन मानिए, अगर हमारे नेता लोग सबको कभी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड मिलेगा ना तो ऑस्कर ही लेके आएंगे। राजनीति में एक्टिंग का भी अपना अलग भौकाल है। यूपी में तो बड़के नेता लोग सब नए राजनीति में आ रहे हैं और युवाओं को राजनीति सिखाने के साथ साथ चार ठो क्लास एक्टिंग की भी देते हैं। बड़के नेता लोग सबका कहना है जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा वो उतना अच्छा नेता माना जाएगा। आइए आपको एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे यूपी में बिना एग्जाम्पल के कोई बात मानी नहीं जाती है। हमारी यूपी के एक युवा नेता ठहरे, नाम भाई साहब का चंद्रशेखर उर्फ रावण। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश को दलित विरोधी बता रहे थे। दलित समाज, पसमांदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। लेकिन अब पुराने चुनाव चले गए हैं और नए नगर निकाय चुनाव भी आ गए हैं, तो रावण भैया को लगा कि उनकी दलित विरोधी अखिलेश से एक बार फिर हाथ मिला लिया जाए, जिनको 1 साल पहले ही बुरा भला कह रहे थे, तो अब रावण अखिलेश की शान में कसीदे पढ़ते जा रहे हैं। साइकिल वाले यादव साहब ने भी सोच लिया, चलो भैया रात गई और बात गई और हाथ और गले दोनों मिला लिया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में, और किसी को गाली देने से आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ और किसके राज में क्या हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देख लिया भैया नेताजी को, एक पल में ही इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दिया। गठबंधन में आने और गठबंधन से चले जाने में तो मानो यजमान को महारत हासिल है। इतनी जल्दी तो सर्कस का बंदर भी गुलाटी नहीं मारता जितनी जल्दी ये बड़के नेता लोग गुलाटी मार देते हैं। दलित समाज, पसमांदा समाज, आपका दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे, उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहे। हमारे तमाम नेता फील्ड में है, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकरवादी समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे। बहुत तेज हो रहे हैं। वैसे हमारे यूपी में चुनाव के समय गजबे नजारा देखने को मिलता है। हमारे यूपी में वोट जो है ना वो काम आम पे नहीं मिलता है बल्कि भैया नाम पे मिलत है। जी हाँ, नाम पर। जो प्रत्याशी जिस जाति का है उस जाति का वोट उसी को ही मिलता है, इसलिए हमारे नेता लोग सब सारी जातियों के नाम रट कर घर से ही निकलते हैं। आप भी जरा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अहिर गड़ेरी कुंडी कोयरी भर चमार मुसहर धोबी खट्टी पासी केवट बीन मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार भूमियार बियार नाई खंघार आर्य कर्कवंशी बंजारा बहिलिया, इनकी गिनती नहीं है।
पीला गमछा गले में डाले नेताजी का नाम है, तब बताए कि जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय जनता समाज पार्टी के नेताजी अध्यक्ष हैं। इन साहब की यूपी के सियासी गलियारों में पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। लगातार लखनऊ के नेता लोग सब कहते हैं राजभर भैया हर चुनाव से अलग पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, लोकसभा में बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं, विधानसभा में साइकिल वहां पे सवार हो जाते हैं, निकाय चुनाव में अकेले ही पार्टी को हाक रहे हैं, और अब 24 वाले लोकसभा में नजरों घुमाओ राजभर भैया का माया जाल 24 से पहले हाथी की चाल तैयार है, क्योंकि कल तक मायावती का विरोध करने वाले नेताजी को अब बहिना माया की सरकार याद आ रही है। लगता है नेताजी अब की बार हाथी की सवारी करने के मूड में है। कभी कभी तो समझ में नहीं आता है कि नेता कौन है और अभिनेता कौन है। ये देखो नेताजी की एक्टिंग का ही कमाल कर रहे हैं। हमको तो मायावती जी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार। पहली बार जब मायावती जी सरकार बनी थी तो वो जो 4.5 साल का कार्यकाल था वो कार्यकाल हमको बहुत पसंद है। देख लिया, इतनी जल्दी तो बैंगन भी लुढ़कता जितनी जल्दी हमारे नेताजी लुढ़क जाते हैं। ऐसे नेताओं के लिए ही निदा फाजली ने ये शेर लिखा था, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। बस जिधर सत्ता की हवा हावी होती है नेता उधर के ही हो जाते हैं। अब तो बस ये देखना ये बाकी है नेता राजभर जी कब तक हाथी पर सवार होंगे, या नया ठिकाना इस बार कुछ और है। तो भैया निकाय चुनाव की ये उठापटक तो लगी रहेगी और हमारे नेताजी की भी उठापटक लगी रहेगी, कभी इस पार्टी से तो कभी उस पार्टी से। हमारा ये चुनावी बम फोड़ आपको कैसा लगा ये नीचे आपके आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें या शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है तो कर देना भैया एक बार।